किरवानी साउथ सिनेमा के जाने माने म्यूजिक कंपोजर हैं। इन्हीं के बनाए आरआरआर के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। अब खबर है कि किरवानी को अक्षय कुमार की अगली फिल्म से निकाल दिया गया है, उनकी जगह जीवी प्रकाश कुमार को ले लिया गया। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। दरअसल साल 2024 में अक्षय कुमार की 4 फिल्में रिलीज होने वाली हैं। अक्षय ने साल की शुरुआत की थी बड़े मियां छोटे मियां से, फिर उसके बाद उनकी फिल्म आई सरफिरा। अब उन्होंने मल्टी स्टारर फिल्म खेल खेल में की रिलीज डेट अनाउंस की है। इसके बाद साल के अंत में उनकी फिल्म स्काई फोर्स आने वाली है, जिसे दिनेश विजन प्रोड्यूस करने वाले हैं। अब बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक स्काई फोर्स के लिए किरवानी को रिप्लेस करके जीवी प्रकाश कुमार को रख लिया गया है। बॉलीवुड हंगामा ने सोर्स के हवाले से रिपोर्ट छापी है, जिसमें बताया गया है कि स्काई फोर्स के लिए मेकर्स की पहली पसंद ऑस्कर विनिंग कंपोजर MM किरवानी ही थे, मगर उनकी और प्रोड्यूसर दिनेश विजन के बीच वैचारिक मतभेद था। इसी के बाद दोनों ने ही इस फिल्म पर साथ काम ना करने का फैसला लिया, मगर उन दोनों ने ही तय किया है कि फ्यूचर में एक साथ किसी न किसी प्रोजेक्ट पर काम साथ जरूर करेंगे। सोर्स ने यह भी बताया कि जीवी प्रकाश ने अक्षय के साथ उनकी हाल ही में आई फिल्म सरफिरा में भी काम किया है। अक्षय और जीवी दोनों ही एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं। मेकर्स के साथ दोनों का विजन भी काफी मिलता जुलता था, इसी वजह से स्काई फोर्स में भी दोनों ने साथ काम करने का फैसला किया है। पिछले दिनों स्काई फोर्स के डायरेक्टर संदीप केलवानी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया था कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है, अब इसके पोस्ट प्रोडक्शन पर काम शुरू हो गया है। इसी पोस्ट में उन्होंने जीवी प्रकाश को भी टैग किया था। जीवी प्रकाश इससे पहले गैंग्स ऑफ वासेपुर, असुरन, सोराई पोट्टू, थलाईवी जैसी फिल्मों के गाने बना चुके हैं। इसके अलावा वो आने वाली कंगना रनौत की फिल्म एमरजेंसी और विक्रम की पैन इंडिया फिल्म तंगलान का भी म्यूजिक देंगे। इस खबर को लिखा था मेरी साथी मेघना ने, मैं हूं शिवानी। सिनेमा से जुड़ी हर खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।